तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। बेजारे जा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। माफी चाहता हूँ, इसे आंख लगी हुई। कोई नहीं, रेस्ट कीजिए। ड्रिप हो गई है इसकी, खत्म। हाँ, मैंने सोचा कि ड्रिप निकाल दूँ। शाबाश। हाँ, वैसे तो मेरे ड्यूटी टाइमिंग खत्म हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि इससे मिलती जाऊँ, पता नहीं कैसी तबीयत हो। बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता है, जेबा ना शादी से पहले मेरे ही मोहल्ले में रहती थी। उसी ने बताया कि आपकी बेगम का इंतकाल हो गया। माजरत चाहती हूँ। वैसे बड़ी हिम्मत वाले आप हैं, प्रीमेच्योर बच्चे को पाल रहे हैं, वो भी बगैर माँ के। अल्लाह ने हिम्मत दी आपको। जब सर पे पड़ती है ना जी, तो अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। बस आप दुआ करें दोबारा इस हॉस्पिटल में ना आना पड़े। यहां से मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं मिली। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। वैसे तो अब अच्छा लग रहा है, काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि इसको ना कल स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा दें। जी बेहतर। समी, कैसे हैं भैया? आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, चल कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, और कोई बात हो तो बाहर नर्स है, उसको बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। शमी, बीबी कैसी तबीयत है आपकी? शमी, अच्छा अच्छा मैं समझी, वो आपका बच्चा है। अल्लाह की देन है। देखो बाजी, मैं ना घर घर काम करने वाली औरत नहीं हूँ, मेरे खुद के तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। बस ये मुकद्दर खराब होना तो काम करना पड़ता है। तो फिर तुम अपने बच्चे कहाँ छोड़कर आओगी? यहाँ तो देर तक रुकना पड़ेगा। वो मैं अपनी सास के पास छोड़ाऊंगी। मेरा मियां बेचारा ना सब्जी का ठेला लगाता था, एक दिन धमाका हुआ और मुझ बदनसीब को उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिला। सुना था कि हुकूमत मदद करेगी, लेकिन आज तक हमने कोई मदद नहीं देखी। हुकूमत सिर्फ बातें करती है, मदद नहीं। बस ये मजबूरी मुझे आपके दरवाजे पर ले आई है। मैं ना आपके भाई का ना पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, आप उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाना। बस रात को देर तक रुक नहीं सकती, लेकिन सुबह जल्दी आ जाऊंगी, पूरे 12,000 रुपए लूंगी। आपके बच्चे का सारा काम करूंगी, कपड़े धोना, उसको नहलाना धुलाना, सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास फोन है? ऐसे में मैं चाह रही हूँ कि बाबा आ जाएं, फिर मैं उनसे बात कर लूं और फिर मैं तुम्हें बता दूं। तुम अपना नंबर दे दो मुझे, मैं बाबा से बात करके तुम्हें बता दूंगी। जी, आप ना मुझे इस नंबर पर फोन करके बुला लीजिएगा, हो सकता है मेरा कोई वसीला ही बन जाए। ठीक है, तुम जाओ। वसीला तो तुम्हारा बन ही जाएगा, क्योंकि हमारे बाबा अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखा तुमने आप ही, अपने बेटे के लिए 12-15 हजार की आया रखी जा रही है, और अम्मी के लिए एक मामूली सी मासी रखने में मसला था बाबा को। अभी मासी से मसला अम्मी को था, बाबा को नहीं। देखो इतना बदगुमान मत हुआ करो, इतना सोचोगी तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल हो गई आपकी, इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी? अभी क्या करूं मैं इस लड़की का?
बस आपकी हिम्मत को सलाम है, सारी रात यहाँ जागती है और फिर क्लिनिक की नौकरी। जल्दी निकल जाया करें, नींद पूरी किया करें अपनी। अरे भाई क्या बताऊं, आंखों के हल्के छुपाते छुपाते ना नींद भी कहीं छुप गई है मुझसे। अब तो जिस दिन छुट्टी होती है ना पूरी रात जागते हुए गुजरती है। बस आज किसी बहन के घर जा रही है या मार्केट? सोच तो रही हूँ कि बाजार जाऊं। चलो देखो मेरा दुपट्टा ले आई गई, बहुत पुराना सा हो गया है, मेरी अम्मा को पहचान नहीं है दुपट्टे की। बस दुपट्टा ही लाना है तुम्हारा है कुछ और भी? बस दुपट्टा लाना था। अच्छा चलो कुछ याद आए तो मैसेज कर देना। और हाँ सुनो, वो सामने वाली जो पेशेंट है उनकी तबीयत बहुत खराब है, बीपी चेक करते रहना और उठो चलो राउंड करो। तुम बहुत ही आदत पड़ गई तुम लोगों को आराम करने की, उठो जल्दी। अच्छा अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं अकेले? वो रक्षा नहीं मिला था वहाँ तो मैंने सोचा आगे शायद कोई सवारी मिल जाए। अरे ऐसी कैसी बात है, आए बैठे मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं आपको खामखा जहमत होगी। अरे नहीं नहीं आपके बहाने जेबा से भी मिल लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आजा समी, आजा। हाँ समी जी चले जी। अम्मा। हाँ मैं जा रही हूँ। कहाँ? अबीर की तरफ। कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की, बदतमीज और बददिमाग लड़की है, उसे दूर रहो तो ज्यादा बेहतर है। अब वैसे भी उसकी सोबत में कोई नेक नामी नहीं मिलने वाली तुम्हें। बिन माँ के बच्चे की मजबूरी ना होती ना तो कसम से उस घर में पलट के भी ना जाती मैं। देखो अबरा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन इनका असर हमारे ताल्लुकात पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम हॉस्पिटल में थे तो कम से कम मुझे फोन ही कर लेते, भाई मैं आ जाता यार हमको भेज देता है? कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता था। तेरे पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है यार, मैं तो उनका कर्ज उतारने से कासिर हूं। बस तो दुआ कर दिया कर यार, शगुफ्ता के जाने के बाद जिंदगी की बसात ही उलट गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं काफी अरसे से तुमसे एक बात करना चाह रहा था लेकिन बस मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी। देखो तुम्हें अब शगुफ्ता के गम से बाहर निकलना होगा। देखो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, उनके लिए तुमने और भी बहुत कुछ करना है। और मैंने सुना तुमने दफ्तर से लंबी छुट्टी ले रखी है, तो उस छुट्टी लेने से क्या होगा भाई, आखिर तुम्हें वापस जाने पड़ेगा ना, वैसे कैसे चलेगा? ये आवाज सुन रहे हो? इसने तो मुझे शगुफ्ता का गम भी नहीं मनाने दिया। अभी आया पता है जेबा, जब लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि औरत मर्द का इंतजार करती है, उसका रास्ता देखती है, उसके लिए सचती है, सवरती है और सारी जिंदगी उसके लिए गुजार देती, तो ये सब बातें ना मुझे बहुत किताबी लगती हैं। मेरा इन पे भरोसा नहीं। तो सुनो फहमी, तुम्हें कभी भी किसी ने इस नजर से नहीं देखा? अरे तुम्हारा तो काम ही दिन रात मर्दों के साथ बैठना है उठना। शायद इसीलिए आज तक किसी मर्द की नजर ही नहीं ठहरी हम पर। मर्दों को तो पसंद है ढकी छुपी बुरके में बंद औरतें, लेकिन पता है सेवा, अगर किसी मर्द की मुझ पे नजर ठहरी होती ना, अरे उसका दिल क्या गर्व या बात कर देती।
बड़ा मजा आता, एक नहीं चार चार बच्चे होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते हैं। वाह क्या जिंदगी होती मेरी। तो तू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अपने बहन के बच्चे पालते हुए गुजार देगी? अभी भी वक्त है फहमी, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। ये जो इन लोगों ने तुझे सर पे बैठाया हुआ है ना, सिर्फ कमाई की वजह से, तू अभी देना बंद कर देना, तुझे सर से उठा के जमीन पे पटक देंगे और फिर पलट के तेरी खबर भी नहीं लेंगे वो लोग। सही कह रही हो, सब बातें मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, जब अपने बारे में सोचती हूँ ना तो बहुत डिप्रेशन होता है, वक्त रुक जाता, गुजरता ही नहीं। इसीलिए ना दो दो नौकरियां करती हूँ कि ना वहां ध्यान जाए और ना दिल उदास हो। सुन फहमी, एक बात मेरे जहन में अभी आई है, तू अच्छी तरह सोच ले। देख अल्लाह बंदे को इशारे देता है। अबरार भाई बहुत अच्छे आदमी है, यही बात कुछ दिन पहले मैंने उनसे कही थी कि अबरार भाई आपके घर के लिए ना एक समझदार औरत की जरूरत है, और यही बात आज मैं तुझसे कह रही हूँ। अबरार भाई जैसा समझदार आदमी तुझे मिल जाएगा, बना बनाया घर मिल जाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी फहमी। अरे तू पागल हो गई है क्या जेबा, शादी कर लूं? क्यों कर लूं शादी, अपनी आजादी खो दूं? क्यों, मुझे बहुत प्यारी है भाई, मैं नहीं खो सकती उसको शादी। और देखो भाई, सही वक्त पे होनी होती ना शादी तो अब तक हो चुकी होती, घर गृहस्थी सब संभाल के बैठती, अब नहीं कर सकती। चोंच ले, सर दर्द खामखा नहीं पाला मुझे। तू मुझे बहन समझ या सहेली, औरत की कोई भी उम्र हो ना तो आजादी उसके लिए बदनामी का बाइस बनती है। देख तू शादी करके घर बसा ले, तेरे दिन रात सुकून में आ जाएंगे, फिर तुझे घर भी अच्छा लगेगा और घर का आराम भी। जेबा खुद सोच, अकल लगा, वो दो जवान बेटियों का बाप है भाई, क्यों करेगा मुझसे शादी है? सुरखाब के पर लगे मेरे, क्यों करेगा? पागल, तुम ये सब मुझ पे छोड़, तुम इत्मीनान कर लो और सोच समझ के फैसला करो। अबरार भी बहुत अच्छे, शगुफ्ता को भी उन्होंने हमेशा खुश रखा था, दो बेटियां उनकी भी शादी हो जाएंगी, और रहा सवाल बेटे का, वो हमेशा तेरे पास रहेगा फैमी, सोच ले मेरी बात। चाचा भाला बेबी चो बोलो बेबी सोचा क्या टाइम हो रहा है? इतनी देर हो गई है, तुम ये जानती हो कि तुम्हें जरा से भी देर हो जाए तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ, अभी तक घर क्यों नहीं आई हो तुम? I'm so sorry आपी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, वो एक्चुअली कॉलेज के बाद ना किरण की बर्थडे का प्लान बन गया। घर पर बर्थडे पार्टी? हाँ वो ट्रीट दे रही थी तो हम फिर सब उसके घर आ गए। अबीर तुम कम अज कम मुझे तो बता कर जा सकती हो कि कहाँ जा रही हो, किसके घर जा रही हो, ऐसे ही मुंह उठाकर चली गई किसी के भी घर? क्या हो गया अभी, इस तरह क्यों बात कर रही हो?
और वैसे भी इतने दिनों के बाद निकली हूँ मैं घर से। दिल्ली जा रहा था मेरा घर वापस आने को, इसलिए यहाँ किरण के घर आ गई। अब फोन रखो और मुझे रिलैक्स करने दो थोड़ी देर। बीबी बाला बीबी है ये, है ना? अबीरा भाई, ये कौन सा वक्त है कॉलेज से आने का? शुक्र है आपको इस बच्चे के अलावा भी कुछ याद है। अबीर के कॉलेज का टाइम, उसका घर ना आना। चले, आपको ये तो याद आया कि हम दोनों भी आपकी बेटियां हैं। कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेटियों को, जो मेरी बेबसी का तमाशा तो देखती हैं, लेकिन इस मासूम को गोद में उठाना पसंद नहीं करती, जैसे ये कोई गुनाह हो। रोना इसके नसीब में है, रोने दो इसे। तुम तो इस वक्त मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। ओए 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 ओए, समी समी, ये देखो बाबा क्या लेके आए तुम्हारे लिए। ओए 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 ओए, मिला बेबी। तुम्हारी माँ होती ना तो ये सब कुछ वो करती तुम्हारे लिए। वाला बेबी देखो, अभी तुम्हारी अम्मी होती ना तो ये सब कुछ वो करती। ये देखो बाबा लेके आए तुम्हारे लिए। रोना नहीं, वो सारा दिन रोता रहता है। अजहर भाई से कह के ये मंगवाया है कि शायद इसे आराम आ जाए। तो ले आए ना इसके लिए दूसरी माँ, माँ के बगैर तो इसे सुकून नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको हमारे आंसू नजर नहीं आते, मगर इसकी सारी आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक कह रही हो तुम, मेरे पास तो अपनी सफाई के अल्फाज भी खत्म हो गए। मैंने तो सुना था कि बड़ी बहनें माओ के बराबर होती है। तुम किस किस्म की बहन हो? ये बेचारा रोता रहता है, तड़पता रहता है, और तुम कभी पलट के भी इसको नहीं देखती हो। अरे वो अबीरा तो छोटी है, अभी नादान है ना, समझ है? अबीर ना समझ नहीं है बाबा, वो हम सबसे ज्यादा हसास है, अम्मी की लाडली है वो। आप जानते हैं अब वो इस घर से फरार के रास्ते ढूंढने लगी है। आज वो अपनी किसी दोस्त के घर चली गई थी क्योंकि उसका इस घर में दिल नहीं लगता। अरे तो क्या करूं, कैसे दिल लगाऊं तुम दोनों का? इतना अकेला तो मैं तब भी नहीं हुआ था जब जलजले में मेरे सारे अपने मर गए थे। तुम्हारी मां ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे ये तो अभी ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा, इसको मेरे हवाले कर गई है।
अरे मुझे मुझे बच्चे पालने नहीं आते, मैं क्या करूं? ये आपका अपना फैसला था, आपको बेटा चाहिए था और अम्मी को आपकी खुशी। ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा भी भाई है। क्या करूं इस भाई का, क्या करूं? ये वो भाई है जिसकी वजह से हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। आप तो इसके लिए दूसरी माँ ले आएंगे ना, हमारा क्या होगा? हमारी माँ तो कभी वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। ज़ेबा तुझे अल्लाह पूछे है किस काम पे लगा दिया मुझे। वाह अच्छी तो लगी। अब्बार साहब के पास से खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अस्सलाम वालेकुम अब्रार साहब, मैं बस आप ही के बारे में सोच रही थी। जी जी बस 4 बजे आप वहाँ पहुँच जाइएगा। अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सबसे पहले आपके बच्चे का चेकअप कराऊंगी मैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अरे हम तुम्हें कब से वहाँ ढूंढ रहा है और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मैं उसे फोन करती हूँ, वो यहीं आ जाए। नहीं कॉल मत करो, मुझे बुक स्टोर जाना है, जरा जल्दी मैम। तो तुम उसके साथ ही चली जाओ ना, वो कब से तुम्हें ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। हुआ क्या है, कुछ तो पता चले। वो तुम्हें ढूंढता रहता है, तुम उसे छुपती हो, अजीब हाइड एंड सीक खेलने लगते हो तुम दोनों। तो कुछ खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, बता देना उसको। अरे मैं क्यों बता दूंगी, तुम खुद बता दो ना। राज साहब, बाप बनना और बाप कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किलें तो सारी माँ के ही हिस्से में आती हैं। और सितम यह है कि उसकी मुश्किलों को कोई समझ नहीं पाता। लेकिन आपकी हिम्मत को तो सलाम है, आप तो इस बच्चे की माँ भी हैं और बाप भी। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं इसकी जिम्मेदारी उठा सकूं, वरना मैं इस काबिल कहाँ था जी। ठीक कह रहे, लेकिन देखें किस कदर साबिर बच्चा है, रोया तक नहीं। शायद बिन माँ के बच्चों को अल्लाह पाक सबर दे ही देते हैं। खैर इस इंजेक्शन के बाद इसको बुखार भी चढ़ेगा और दर्द भी होगा, तो शायद ये थोड़ा सा रोए। तो अगर ज्यादा इसकी तबीयत खराब हो तो ये दवाई है, आधा आधा चमचा दोनों का पिला दीजिएगा अगर इसको बुखार तेज हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
आपकी वजह से एक बहुत जरूरी काम हो गया, वरना मुझे तो याद ही नहीं था कि इसे वैक्सीनेशन भी करवानी है। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए मैंने कार्ड बना दिया है, आप जब भी इसकी वैक्सीनेशन कराइए तो इस कार्ड में इंद्राज करवा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। अब बिल्कुल याद रहेगा जी, अब नहीं भूल सकता। और वैक्सीनेशन के लिए वैसे भी हम आप ही के पास आएंगे, समी को आपके हाथ की आदत जो हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतें मत बिगाड़ें। ये क्लिनिक आपके घर से बहुत दूर पड़ता है, आपके घर के नजदीक कोई भी छोटा मोटा क्लिनिक हो वहां से आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब्रार साहब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बेहतर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी क्या हुआ, दिखाओ। मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों से मेरे और मुमिना के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ठीक है मेरी मामा की सोच 20वीं सदी वाली है, लेकिन कहीं कहीं वो ठीक है और मुझे उनकी सोच से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदगी मैंने और मुमिना ने गुजारनी है, वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। अजीब स्टूपिड लड़की है। ओह ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं तो समझी थी कि तुम दोनों के आपस की ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर यहाँ तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। और ये जो हमारी इमोशनल किस्म की माएँ होती है ना, इन्हें समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं ये मुश्किल काम करने को तैयार तो हूँ, इससे पहले भी उसके लिए लड़ता आया हूँ, आगे भी लड़ूंगा, एटलीस्ट वो तो मेरा साथ दे। मैंने उसे रोका था, बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सुनती नहीं है, बहुत जिद्दी है। और तुम्हें पता है वो जाने से पहले क्या कह के गई है? वो कह के गई है कि कुछ खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। स्किल की वो बात कर रही है ना, इसमें हार किसी एक की नहीं होती है, बल्कि दोनों ही हार जाते हैं, जिंदगी भी और खुशियां। तुम उसको बता दे अगर मैं जिद पर आ गया ना तो जिंदगी भर बैठ के रोएगी वो। कौन है आपकी तारीफ जी? मुझे यहाँ का अपॉइंटमेंट मिला है। अपॉइंटमेंट मिला आपको? अब्रार साहब आपको इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आपकी जगह किसी दूसरे का अपॉइंटमेंट सरासर नाइंसाफी है। इन लोगों ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। लोग तो हमारे पास अपने मसले लेकर आते हैं और सितम यह है कि हम अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाएं। मेरी फरियाद सुनकर तो लोग ऐसे मेरा मुंह देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं। अब उन्हें कौन समझाए कि ठीक है बच्चे की ख्वाहिश मेरी थी लेकिन मर्जी तो अल्लाह की है ना। अब्रार साहब आपका बेटा कैसा है? उसकी हालत देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतनी जल्दी सरवाइव कर जाएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपने माँ बन के दिखाया, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। आमीन। सेहत के साथ लंबी जिंदगी की दुआ कीजिएगा, बाकी तो जो उसका नसीब है उसे मिल जाएगा। फिलहाल तो उसका नसीब बनाने की कोशिश करें आप। आपकी नौकरी रहेगी तो उसकी जरूरतें पूरी होंगी, आप उसके लिए किसी आया वगैरह का मुस्तकिल इंतजाम करें। और हाँ आपकी बेटियां भी तो काफी समझदार हैं, आप उसको उनके हवाले करें और आप अपनी सीट संभालें। अब सीट मिले तो सही, यहाँ तो हर घंटे में हालात बदल जाते हैं। सर मैंने आपसे कहा भी था कि ये मालकान किसी के दोस्त नहीं होते, लेकिन बीवी की वफात के बाद आप यहाँ से ऐसा गायब हुए जैसे बीवी नहीं खुदा ना खास्ता आप ही दुनिया से चले गए। सर प्राचा साहब को आपको अतमाद में लेना चाहिए था। अच्छा मजाक है,
इस उम्र में बच्चे पालो, वो भी किसी और के। अपरार भाई ने तो मुरव्वत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। और ये कौसर, ये भी अभी तक नहीं आई। आती है इसको खड़े खड़े घर से निकाल देती हूं मैं। क्या फायदा है सी आया का, जिसे बच्चे का भी होश नहीं है। मुसीबत है, कहाँ है मेरा फोन? मैं अपरार रखीला भी हो गया। हेलो अपरार भाई, अगर आपने ऑफिस जाना था तो कम से कम मोमना या अबीर को रोक लेते आप। ना ही आपकी बेटियां किसी काबिल हैं और ना ही आपकी आया। अब तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं उसे? हर रोज छुट्टी करके बैठ जाती है वो। मुझे भी अपने घर के 100 काम होते हैं। कब से समी को गोद में लेके मैं बैठी हुई हूँ। सॉरी सर, बहुत जरूरी कॉल कीजिए घर से। आपके लिए शायद ये नौकरी ज्यादा अहमियत नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए सीट को ज्यादा दिन खाली रखना मुमकिन नहीं था। कंपनी के फेवर में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? जिस नौकरी से मेरा घर चलता है जी, मैं उसे क्यों अहमियत नहीं दूंगा? सर ये फाइल तो मुझे इस्तीफा देने का कह रही है। इब्रार साहब, ये फाइल चेयरमैन साहब के कहने पर ही तैयार की गई है, और आपको कंपनी में रखना या ना रखना ये चेयरमैन साहब का फैसला है। ये गलत है सर, मैंने अपनी मजबूरी उन्हें बताई थी। मेरी बीवी फौत हो गई है जी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था, आईसीयू में। आपका बच्चा? छोटा बच्चा जी, उसी की पैदाइश पे मेरी बीवी चल बसी जी। सर मैंने 15 साल इस फर्म को दिए हैं जी, आप मेरे साथ ये ज्यादती कैसे कर सकते हैं? इब्रार साहब, मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको कंपनी का फैसला सुना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस सिलसिले में चेयरमैन साहब से मिल सकते हैं। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे कहा गया है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो तुम दोनों को सुला कर आओ। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। ओए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वो मैंने ना बच्चे को सुला दिया है आज सुबह से। वैसे इसको लेकर टहल रही थी लेकिन बहुत ही रो रहा था। मुझे ऐसे लगता है इसके पेट में ना दर्द रहने लगा है, आप इसे डॉक्टर को दिखा दें। कोई इसके पेट पेट में दर्द नहीं है, ये तुम अपने पास से बातें मत बनाया करो, समझी? हेलो बेबी, हेलो। अरे ये इसकी आंखों में काजल किसने लगाया है? किसने कहा था तुम्हें इसकी आंखों में काजल लगाने को? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे ये तो बड़ी औरतें डालती हैं अपनी आंखों में, तुमने बच्चे की आंखों में डाल दिया है। अंदर ड्रेसिंग टेबल पर रखा था तो मैंने लगा दिया। बच्चों की आंखों में ना काजल लगाने से ना उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। कोई बड़ी बड़ी नहीं होती है, नुकसान दिया ये। तुम भी अपने बच्चों की आंखों में मत डाल देना कहीं, पागल ना हो तो खामखा में बेवकूफ। ये क्या, इसका वीडियो खुला पड़ा हुआ है, दूध गिरा हुआ है,
अपना काम तुम ध्यान से करती नहीं हो और काजल लगाने के चक्कर में पड़ी रहती हो तुम, या टीवी देखती रहती हो। जाओ जाओ जाके देखे बाहर कौन आया। ओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ सारी आंखें खराब कर दी आपकी। आचो 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 आचो, ओ सारा काजल लगा दिया यार। ये बहुत ही पागल लड़की है, हैं? लॉज को साफ करे के? ये पता नहीं इतनी मुझे ये किसने लगाया, उतर ही नहीं रहा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप?